देखो हम लोग जो है सर्कुलर फ्लो में थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा उसका हम बता देंगे, क्योंकि लैपटॉप फ्लो से हम पीडीएफ तैयार किए थे लेकिन नहीं था, आज आ गया है तो कल डिस्कस कर लेंगे, इसी में उसका डिस्कशन भी कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसी को बोलते हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो करेंगे वो आपका है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये टॉपिक आपका है, देखिए टॉपिक आपका ही होगा ना, टॉपिक है नेशनल इनकम एंड इट्स, मान देखिए इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय एवं इसके समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, है ना। ये बेसिकली एक चैप्टर्स है, एनसीईआरटी में भी है, आपका जो रेफरेंस बुक है उसमें भी आपको दिया हुआ है। और इकट्ठा मैंने कहा था राष्ट्रीय आय से ही किसी भी एग्जामिनेशन हो उसमें एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। आजकल अगर ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एनालिटिकल और कुछ आपका मिलाने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। और 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अकेले इसी का कुछ पूछता है। जो भी एग्जामिनेशन कम्पटेटिव देते हैं जिस लेवल का हो, यू से लेकर आईएएस तक का, उसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स में होता है तो राष्ट्रीय आय से होता है। इवन करंट अफेयर्स भी यदि आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में भी इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आई थिंक आप क्लास में कंटिन्यू हैं तो नेशनल इनकम को अच्छी तरीके से समझने को आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपका चैप्टर्स हो गया ताकि आपको लगे हम आज क्या क्या सीख ले रहे हैं। और देखिए आप सामान्य लाइफ में जिसके इसके बारे में सुनते हुए होंगे, जैसे देखिए सबसे पहला जो टर्म है आप सुनते होंगे GDP, सुनते हैं इसका, यस सर, है ना। दूसरा है NDP भी सुनते होंगे, यस सर। और तीसरा है ना GNP और फोर्थ में है आपका NNP, सुनते हैं, सुनते होंगे। और इसी में ऐसे देखते होंगे MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अगर इसे फुल फॉर्म की बात करें हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं ऐसे हिंदी में कहते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन। हम टॉपिक पढ़ा ले रहे हैं बस टर्म लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछते हैं उसको भी लिखना हरकत हो जाता है। या इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी तरह से हम आपको बताएंगे आगे लिखने रहे जब हम पढ़ाएंगे बताएंगे। 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है और 8 नंबर है। इसमें क्या क्या है तो देखिए इसमें हम लोग बताएंगे GDP FC NDP FC GNP FC और NNP FC। एफसी का मतलब क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, एक लिख देते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट फैक्टर क्रॉस, फैक्टर क्रॉस ठीक है। ये टोटल कितना एग्रीगेट हो गया अभी लिखिए ना, लिखने हुआ देंगे कितना हो गया आठ। इसके अलावा आप और हम बताएंगे इस चैप्टर में, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर में क्या है, इसमें आपका है पर्सनल इनकम, क्या है आपका पर्सनल इनकम। इसमें फिर आपका है, पहले इसे लिखो, पहले इसे लिखिए प्राइवेट इनकम है ना, प्राइवेट इनकम, पर्सनल व्यक्तिगत आय इनकम। उसके बाद आपको बताएंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद जो आपका है वो है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये टोटल आपको पढ़ना है, ये सभी को पढ़ना भी है, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे है ना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो, या फिर किसी तरह का क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ लेने के बाद छूटेगा नहीं। तो ये तो पढ़ेंगे, ये राष्ट्रीय का दूसरा पार्ट, चलिए आप लोग लिख लीजिए और इसको हम लोग देखिए। हम लोग है ना हर दिन 2-3 करके पढ़ेंगे, तो 3-4-5 दिन में आपका हम सब हम बता देंगे और फिर न्यूमेरिकल को भी क्वेश्चन करा देंगे ठीक है। बस एक रफ फिगर में लिखने को ये पढ़ना है, जैसे जब पढ़ाएंगे सर रिपोर्ट में हम बताएंगे, हिंदी में बताएंगे। नोट कर लीजिए, नीचे से लिखा जाएगा।
लगाते हैं वापस, ठीक है। देखिए आप लोग अब लिखना बंद करेंगे और कर देखिए, एक टर्म अगर समझ गए समझिए, आप पांचों टर्म समझ गए, है ना। एक दो टर्म समझ गए, जहाँ दिक्कत होगा नहीं लिखिएगा, और हम कमाल पूरी तरीके से 100% टॉपिक को समझिएगा, तभी आप कॉपी में लिखने जुटा इसलिए। अब देखिए हम लोग एक सामान्य तौर पर जैसे कि हम कुछ लेते हैं, जैसे कि ये आपका मान लिया क्या है, हमको तो इतना अच्छा बनाने नहीं आता है, बनाने के लिए आता है ना, चलो मान लिया हमारी कंट्री है, और समझो ये इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं हम लोग जियोग्राफिकल बाउंड्री, जियोग्राफिकल भौगोलिक, है ना, रेखा हमारा हो गया, है ना जी। तो इसके बाहर विदेश हो गया, ये हमारा देश हो गया, ये हमारा डोमेस्टिक एरिया, हमारा एक्सटर्नल, ये हमारा फॉरेन एरिया, यहाँ इंटरनल सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, है ना जी, बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र, ठीक है। तो इसके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक एरिया, क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक एरिया, ठीक है। इसके इसके अंदर जो सामान बनेगा क्या उसको बोलेंगे, इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, बोलते डी बोलते ना जी, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना। तो चलिए हम बाहर लेते छोड़ देते हैं यहाँ, अब से डोमेस्टिक एरिया, है ना, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक है। अब इसके अंदर कोई सामान, क्योंकि हम लोग जीडीपी में क्या करते हैं, निकालना उत्पादन के बारे में, तो मान लिया यहाँ पर दो सामान लेते हैं, ठीक है, एक हम लेते हैं वीट को, एक हम लेते हैं पैडी, पैडी मतलब धान और वीट मतलब गेहूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो चलिए मान लिया कि इसमें एक साल में 10 केजी का उत्पादन होता है, 10 क्विंटल का उत्पादन होता है, यहाँ पर 20 केजी या 20 क्विंटल जो मान लिया, 10 केजी क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको लिखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझे, ये प्रोडक्ट ऐसा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसके ऐसा तो ढेर सारा सामान होगा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हो सकता है, लेकिन सभी को रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। और आप 9th-10th में पढ़ते हो ना, तो प्रॉफिट निकालते थे, इनकम निकालते थे, क्या निकालते थे, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, या ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, है ना। अभी वजह से मान लें कि इस क्लासरूम से एक महीने में 20 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, तो 20 लाख रुपया क्या हुआ, इनकम, ग्रॉस इनकम, इसमें कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारे एयर कंडीशन है, पंखा खिस्ता है ना, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में करते हैं डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस। तो पहले क्या निकालते हैं, ग्रॉस की पहले नेट, पहले ग्रॉस निकालते, क्या निकालते हैं, ग्रॉस निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं जी, तो क्या हो गया, जी डी पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इकोनॉमिक्स में फ्री गुड्स का अध्ययन नहीं होता, उसके लिए समाजशास्त्र है, हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी अध्ययन करते हैं। तो अभी जो सामान है इसमें कुछ ना कुछ मार्केट में से क्या होगा, प्राइस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू वो खरीद होगा नहीं। तो मान लिया इस वीट का जो दाम है ना, इस वीट का जो दाम है ये मान लिया कि 20 रुपये के जी, मान लिया कितना के जी है, 20 रुपये के जी, और इसका जो है ना, इसका जो दाम है 10 रुपये के जी, तो 20 रुपये के जी और 10 रुपये के जी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ये हो गया MP, क्या हो गया, MP। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझे कि नहीं समझे, क्या समझे, अभी भी नहीं समझो मालूम है, पढ़ा और आगे देखिए क्या होता है,
ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस। अब इसको निकालते कैसे, देखिए जी डी पी एम पी इक्वल टू, जैसे बाजार में कोई प्रोड्यूसर सामान बेचता है तो उन्हें पैसा मिलता है, उसको रेट होता है ना, तो पैसा कैसे निकालते हैं इनकम, प्राइस किस प्राइस से बिका और कितना किलो बिका। तो मान ले कि 3 किलो बिका, दाम 4 रुपया, तो 3 गुने 4 कितना हो जाता, 12 रुपये क्या हो गया हमारा इनकम हो गया ना, क्या समझे, 3 गुने 4 बढ़कर। उसी तरीके से मान लिया कि जो वीट है तो वीट मार्केट में बिकेगा ना, तो क्या इसे निकालेंगे ऐसे फॉर्मूला, प्राइस ऑफ वीट इंटू क्वान्टिटी ऑफ वीट हो जाएगा समझे, प्लस प्राइस ऑफ पैडी इंटू क्वान्टिटी ऑफ पैडी हो जाएगा। अगर प्राइस ऑफ मिल्क क्वान्टिटी ऑफ मिल्क है कि नहीं, है ना, या फिर और रहेगा प्राइस ऑफ मेज मतलब मक्का इंटू क्वान्टिटी ऑफ मेज, प्राइस ऑफ सोयाबीन क्वान्टिटी ऑफ सोयाबीन, बहुत सारा हो सकता है। अब देखिए इसमें जो आपका है क्या हो जाएगा, प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस आपका दिया हुआ है 20, क्वान्टिटी कितना है 10, प्लस हो जाएगा प्राइस कितना दिया हुआ है 10 इंटू कितना हो जाएगा 20। तो आपका जो है जो जी डी पी एम पी क्या हो जाएगा, है ना, 200 प्लस 200 यानी कितना हो जाएगा 400, है ना, क्या समझे 400। तो जी डी पी क्या है, जी डी पी रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ द कंट्री, क्या समझे, तो जी डी पी हुआ क्या, तो जी डी पी इज मनी वैल्यू, मनी वैल्यू है, जी डी पी इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, है ना, भारत का अकाउंटिंग ईयर क्या, 1 अप्रैल to 31 मार्च, क्वेश्चन पूछा आपको, है ना, 1 अप्रैल to 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अलग अलग कंट्री का अकाउंटिंग ईयर अलग अलग होता है, हम बताएंगे जब आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक साल में जो देश के अंदर लीगल तरीके से, है ना, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी मनी वैल्यू को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, आया समझ में, क्या समझे, जी डी पी इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जी डी पी, समझे, क्या समझे, आया समझ में कि नहीं आया। अब देखिए पहला क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन पूछता है जीडीपी क्या है, तो जीडीपी देश का इनकम है, क्वेश्चन तुम्हारा देखिए पूछा है जीडीपी क्या है, देश का जीडीपी को वस्तु थोड़ा है, जीडीपी को सामान नहीं है। अब देखिए मान ले उत्पादन हो जाएगा 10 किलो से 100 किलो, देश का इनकम बढ़ जाएगा, है ना, सरकार कहती है ना कि देश में उत्पादन बढ़ाना है, है ना, देश का उत्पादन बढ़ेगा मतलब देश का इनकम बढ़ेगा, और देश की इनकम को देश की पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, देश की राष्ट्रीय आय, जैसे तुम्हारा परिवार का प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तुम्हारे पापा जी की इनकम कितना है उतना परिवार से भाग दे दो, ऐसे निकलता है। तो देश के इनकम से देश की पॉपुलेशन से डिवाइड क्या निकलेगा, पीसीआई मतलब प्रति व्यक्ति आय, समझ आ रहा है, एग्जाम में लिखा जाएगा टकटक, पर कैपिटा इनकम सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, अभी अभी लिखना नहीं है, है ना, ऐसा मेरे लिए वाली। अब देखिए मैं सेंटेंस फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी वाले ध्यान दो, कुछ चिंता नहीं हिंदी लिखाने का, जीडीपी अंग्रेजी इतना अच्छा हम बोलते हैं हिंदी वाले समझ में आता है, खाली तो कोई एक ही शुद्ध आना चाहिए, जीडीपी इज मनी वैल्यू, समझो ध्यान से, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the geographical boundary of the country, है ना, है ना, during an accounting year, याद समझे, अब इसे और फिर से बोल रहे हैं, GDP is money value of all final goods and services which are produced by the normal resident, एक शब्द यूज किया मैंने, normal resident, यही क्वेश्चन है, normal रेजिडेंट मतलब सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट, देखो
एक हमारे देश के अंदर, ध्यान सुनिए, हमारे देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं, जो विदेश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक साल से अधिक रह रहे हैं, उसको भी हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट ही कहते हैं। मतलब कोई विदेशी यहाँ पे आके रह रहा है और अपना उत्पादन कर रहा है तो किसका जीडीपी होगा? देश का जीडीपी होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब हो गया सिटीजन ऑफ द कंट्री प्लस नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज रेजिडिंग इन आवर कंट्री सिंस मोर देन वन ईयर, एक साल से अधिक, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे राजदूत है ना, एम्बेसी था ना, एम्बेसडर होते हैं ना, जैसे कि अमेरिका का राजदूत हमारे यहाँ रह रहे हैं, अमेरिका का राजदूत हमारे यहाँ रह रहे हैं, उसकी पेमेंट कौन करती है? अमेरिका की सरकार करती है। भाई वैसे मैं, अरे वहीं बैठो ना, ठीक है, तो नॉर्मल ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सामान्य निवासी क्या है? तो कहिएगा देश के निवासी, देश के वे निवासी, देश के वैसे विदेशी, देश में रहने वाले ऐसे विदेशी जो एक साल से अधिक हमारे कंट्री में रह रहे हैं और जिसका कमाना खाना और रहना यहाँ है ना, क्या बोलते हैं, कमाना खाना और बचाना, कमाना मतलब अर्निंग, खाना मतलब बोलो कंज्यूमिंग, और बचाना मतलब सेविंग, मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसको एक लाइन में कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कमाना खाना और बचाना, कैसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देख जैसे ध्यान से सुनो, याद करो 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि विदेशी लोग यहाँ पे रहते थे, शासन करते थे, और रिटायरमेंट के बाद यहाँ से जब जाते थे तो उसको पैसा यहाँ खजाना से मिलता था, तो जहाँ रहते थे विदेश में, ठीक है, और पैसा खजाना कहाँ से मिलता था? भारत का। तो पैसा जो उसको मिला वो पैसा कहाँ खर्च करते थे? इंग्लैंड में करते थे। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके लिए था? इंग्लैंड के लिए था। इसी को ना ड्रेन ऑफ वेल्थ का बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? हमारी धन को दूसरे जगह एक तरह से माइग्रेट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है कि नहीं? अगर धन हमारा है, जैसे कि मान लिया कि अगर सैलरी सरकार यहीं देती है और खर्च यहीं कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ लेते हैं खर्च विदेश में करेंगे तो उसको लीकेज करते हैं, पता है ना, क्या बोलते हैं, लीकेज करते हैं। आई बात समझ में? जैसे अगर घर में दुकान है और दुकान में अगर मान लेकर कोई दुकान पर रखता है पैसा और उसको फिर री इन्वेस्ट कर दे दुकान में चलेगा, चुरा के बक्सा में रखेगा, बोलते हैं लीकेज। समझे? जैसे कोरोना काल में 500 रुपया वैसे व्यक्ति को दिया गया जो तुरंत निकाल के खर्च कर दे, है ना, आप देखते होंगे सरकार एक तरफ पैसा दे रही थी और दूसरी तरफ बैंक में नंबर लगा हुआ निकालने के लिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि लोग पर, हमारा यहाँ लोग डिमांड ना करें, डिमांड कमने पर डिप्रेशन जैसे हालत पैदा हो सकते हैं, और अगर कहते कुछ लोग शिकायत है मिडिल क्लास परिवार क्यों नहीं दिया तो रू भूखे मर गया, सरकार को मालूम कहीं कहीं व्यवस्था कर देगा और उसको 500 देंगे भी तो वो कहाँ रह जाएगा? वो बैंक अकाउंट में रह जाएगा। सरकार वैसे व्यक्ति को पैसे दे रही थी जो तुरंत खर्च कर दे, वो आइडेंटिफाई कर रही थी, है ना, समीक्षा कर रही थी, पैसा दिया निकाला है कि नहीं निकाला, इसका मतलब उसको दिक्कत नहीं है, है ना, समझ गए ना? इसलिए कभी कभी सुनते हैं अरे मेरा खाता दोबारा पैसा नहीं आया, एक बार आया था रख ले दोबारा नहीं आया, तो वहाँ पर लोग देखते रहते नहीं, समझ गए? ऐसे बेसिक चीज था, यहाँ तक मैं किसी को दिक्कत है बोलो, हम जो बोले लिखा देंगे, यहाँ तक बताएं कोई दिक्कत है? इसको भी नहीं लिखना है, इसको हम तभी लिखेंगे हम संदेश लिखा देंगे, है ना, ये नहीं कि देखिए इसको हिंदी क्या बोलते हैं जी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो पहले इस संदेश को लिखिए जो हम लिखाते हैं, देखो मीनिंग of GDP MP, लेकिन नहीं क्या बोलेंगे, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू
कुछ कहा सकल घरेलू उत्पाद है ना, लिखो हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद देश के भौगोलिक क्षेत्र, देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक वैल्यू को कहा जाता है ना, मौद्रिक वैल्यू को कहा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। देखिए इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, हो गया कैसे छूटा। इंग्लिश में क्या है, जीडीपी मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल to 31 मार्च, क्वेश्चन पूछा है ना, 1 अप्रैल to 31 मार्च। और लिखिए नॉर्मल रेजिडेंट सामान्य निवासी इक्वल टू फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ लिखो, क्या लिखेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट इक्वल टू, हिंदी में सामान्य निवासी इक्वल टू लिखो देश के निवासी है ना, और प्लस वैसे विदेशी जो एक साल से अधिक हमारे देश में रह रहे हैं है ना। नॉर्मल रेजिडेंट इक्वल टू सिटीजन ऑफ द कंट्री प्लस ऑल दोज फॉरेनर्स हु इज रिजाइडिंग इन आवर कंट्री सिंस मोर देन 1 ईयर। ठीक है, सिंस मोर देन 1 ईयर सिटीजन ऑफ द कंट्री प्लस ऑल दोज फॉरेनर्स who is residing in our country since more than one year। ठीक है,
सिंस मोर देन वन ईयर। किसी का डाउट, किसी की समस्या? बाजार मूल्य, बाजार में जैसे तुम्हारा बिस्किट है 4 रुपये पीस, बाजार मूल्य हो गया। हमारे बाबूजी 10 किलो धान का उत्पादन किए, बाजार में बेचने गए तो मार्केट में 5 रुपये था, तो बोले हम तुम्हारे मम्मी को पापा क्या बोले कि बाजार में 5 रुपये किलो बेचे ना, तो 4 किलो को 20 रुपये दिया। ठीक है, तो बाजार में जो प्रचलित मूल्य है उसको बाजार मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिक चीज समझिए ध्यान से। इसके बाद इसको नोट कीजिए जो हम बताए, चलो नोट करो, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा मानसिक को। करेंट प्राइस होता है,
तो करेंट प्राइस पे जो होता है ना बढ़ा हुआ जीडीपी, वो महंगाई कारण जीडीपी बढ़ जाता है। इसलिए जो बेस ईयर प्राइस होता है ना, उस पर जीडीपी देखा जाता है, ताकि ये पता चले देश में उत्पादन बढ़ा है कि नहीं। इसलिए देखते होंगे, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, सुनते होंगे है ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, तंत्र से दोनों अंतर होता है। जब आप प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो रियल जीडीपी इक्वल टू हम लोग प्रति व्यक्ति आय इनकम। अब दोनों होता क्या है, रियल जीडीपी को हिंदी में कहते हैं वास्तविक है ना सकल घरेलू उत्पाद, या उसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, और आपको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। तो रियल वाले हिंदी में कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय, और उसको बोलते हैं नगद राष्ट्रीय आय। तो अच्छा कौन हुआ, वास्तविक रियल वाला कि नॉमिनल वाला, रियल वाला। रियल वाला से पता चलता है कि आउटपुट कितना बड़ा बढ़ा है। भारत का भी बेस ईयर क्या है 2011-12, याद रखिएगा भारत का बेस ईयर क्या है 2011-12 है ना। भारत का बेस ईयर कौन डिसाइड करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, ठीक है, उसमें दिल्ली में, क्लियर। सीएसओ राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है, कहता जी बताएं कौन कैलकुलेट करता है, क्वेश्चन पूछे हुए जी। सीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, समझ गए। सीएसओ हमारा बेस ईयर को डिसाइड करता है, हालांकि इसको 5 साल पे करना है, देने के लंबे समय से इसका भी चेंज हुआ नहीं, चेंज करने की बात चल रही है, ठीक है। और जो जीडीपी सुनते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सब सुन लो, जीडीपी यानी कि दुनिया में सबसे पहले जीडीपी को रिप्रेजेंट साइमन कुजनेट्स के द्वारा तैयार रिपोर्ट यूएस कांग्रेस में पेश किया गया। यूएस कांग्रेस का मतलब यूएस पार्लियामेंट समझिए, है ना। और तब से पूरे दुनिया में किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी से ही मापते हैं। साइमन कुजनेट्स वाज अ स्टूडेंट ऑफ जेम केन्स, एंड जेम केन्स वाज द फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जेम केन्स इज फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, है ना, जेम्स केन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे उन्होंने आपके जेम्स केन्स नहीं, ग्रेट डिप्रेशन से पूरे दुनिया को बाहर निकालने में काफी मदद की थी। जेम केन्स वाज ग्रेट मैथमेटिशियन, बाद में इकोनॉमिक्स बने, है ना। और रिचर्ड स्टोन ने से बहुत कुछ किए। आइए बताओ राष्ट्रीय के फादर किसको कहते हैं, रिचर्ड स्टोन, क्या बोले, रिचर्ड स्टोन को फादर ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है, समझ गए, याद रखना, लेक्चर है अवेलेबल, सुन लीजिएगा। रिचर्ड स्टोन इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशनल इनकम, समझ गए। सीएसओ राष्ट्रीय आय को निर्धारित करती है, सीएसओ देश की बेस ईयर को डिटरमिन करती है, और अभी हमारा बेस ईयर क्या है 2011-12, कितना रहेगा, नहीं रहेगा, टाइम कितना हो गया, देखो रियल जीडीपी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या, सीएसओ क्या वो तो संस्था है, चेयरमैन प्रेसिडेंट ना, नेट पे देखो पता चले उत्पाद फुल रहता आप जवान हैं, आपको सब कुछ देखने आता है, उल्टा पुल्टा सीएसओ डाल दो, वो बात नहीं, हम बता दिए टाइम को निकल जाए। क्वेश्चन है गलत था, जवाब कैसे दे, मतलब अभी सीएसओ कौन है इंडिया का, सीएसओ मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं पता हमको, गलत क्यों बता रहे, देखो अनुभव अपने, सही नहीं है ना, अब इतने लोग हैं तो सब कुछ चेंज होते रहते हैं, सबको हमको याद करो, हमारा रखने हमको जब याद रखना था रखते थे, है ना। अब आप लोग का समय है, याद रखिए, पढ़िए करंट। चलिए
देखो बहुत ही सिंपल लिखो, व्हेन व्हेन जीडीपी इज नीडेड एंड बेस ईयर प्राइस, हिंदी लिखो जी, जब जीडीपी को स्थिर मूल्य पर मापी जाती है तो से है ना, जब जीडीपी को व्हेन जीडीपी इज मीडेड एट